तो गैस बच्चे भी आए हमारे साथ बाहर। क्यों भाई, चीज लेने आए हो आप? और नुमान देखो जी, नुमान क्या कर रहा है? बलून फलाई जा रहा है, और ये भी बलून फलाई जा रहा है। क्यों है? सर्दी में जी जानवर का बहुत बुरा हाल है जी। ये देखें जी, इंसानों को बहुत ज्यादा बुरा हाल है क्योंकि शदीद धुंध बढ़ रही है, और जानवर बेचारे देखें जी बेबस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप हम पेट्रोल पंप पर रुके हैं इधर से तेल डलवाने के लिए, तेल हमने डलवा ली और अब आगे चलते हैं। पहुँच रही तो अगली सुबह। सर्दी में जी जानवर का बहुत बुरा हाल है जी। ये देखें जी, इंसानों को बहुत ज़्यादा बुरा हाल है क्योंकि शदीद धुंध बढ़ रही है, और जानवर बेचारे देखें जी बेबस। और ये देखें जी, इधर नमक भी डाला गया है जी। वो सामने आपको नमक नज़र आ रहा होगा, वो नमक एक डेला पड़ा है ये वाला, तो ये भी डाला जाता है चारे में। नमक डाला जाता है ताकि जानवर इसे चाटते रहे और खाते रहे, तो ये भी एक खुराक है नमक पूरा करने के नमकियात। और आगे एक बच्चा खड़ा है, वो भी आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, एक खूबसूरत सा बच्चा। और सादिया भी बलून अपना भर रहा है। तो नुमान का तो बलून बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा है। पेंसिल भी, पेंसिल। बेबी बलून फैला रहा है, क्यों बेबी? और नुमान है देखो कितना बड़ा बलून कर ली, क्यों नुमान? और भी बनना है। तो बच्चे भी आए हमारे साथ बाहर। क्यों भाई, चीज लेने आए हो आप? और नुमान देखो जी, नुमान क्या कर रहा है? बलून फलाई जा रहा है, और ये भी बलून फलाई जा रहा है। क्यों है ये, क्या हो रहा है? तो बच्चे बहुत बाहर आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं, नुमान और सादिया। और हम पहुंचे जी चने वाले के पास, चने ले रहे हैं, हमारे चने वगैरह डाल चुके हैं, और चलते हैं यहाँ। ये हमारा गर्मा गर्म परोठा और साथ है जी चने का नाश्ता। क्यों बेबी चले? नहीं नहीं, तो नहीं।
ऊंची होल नहीं मिले थे। तो गाइस ये आ गया हमारा दोपहर का खाना। आज हमने बनाई ये कढ़ाई टमाटर वाली और ये साथ में गर्म गर्म रोटियां। अगर किसी ने खाना है तो आके खा सकता है। फिलहाल हम तो इसका काम करने वाले हैं। बेबी क्या खा रहा है? माल्टा। अच्छा आपको पसंद है? कितना? कौन सा वाला? ऑरेंज। ओ हमारा बेबी ऑरेंज खा रहा है। बेबी को स्कूल से छुट्टियां। बेबी मजे कर रहा है। मजे छुट्टियां हो गई हैं। धूप वगैरह निकल आई है। आज काफी दिन बाद धूप निकली है। देखने के सामने सूरज निकल आया है और बहुत धूप अच्छी लग रही है। बादल बिल्कुल साफ है जी। और धूप निकली हुई है। इधर छोटा सा पार्क भी बना हुआ है। उसमें ये देखें ये पौधे वगैरह लगे हुए हैं बड़े खूबसूरत। और इधर फसल वगैरह भी लगी हुई है, पट्टे वगैरह, बरसेम वगैरह। और ये पौधा देखें कितना खूबसूरत है जी, माशाल्लाह से। तो इधर फूल वगैरह भी लगे हुए हैं और कबूतर वगैरह भी उड़ रहे हैं जी इधर। वो भी आपको चल के दिखाते हैं। ये देखें जी इधर कुछ पौधे लगे हुए हैं एलोवेरा, जिसे पंजाबी में गुआर पड़ा कहते हैं। ये पौधे लगे हुए हैं, मैंने देखे तो सोचा भी आपको इसका विजिट करवा दो। ये बहुत फायदे की चीज़ है जी एलोवेरा। ये बहुत सी दवाइयाँ बनाने के काम आता है, फेस के काम आता है और बहुत ही फायदेमंद है ये देसी चीज़। और इधर ये देखें जी छोटा सा पौधा शहतूत का, एक ये भी खड़ा है, ये भी हरा भरा खड़ा है। और माशाल्लाह से जी मौसम आज धूप निकलेगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखें जी हमारा बाहर है गर्म गर्म परोठा और साथ आज हमने बनाया हुआ है जी साग। साग का नाश्ता बहुत ही मज़ेदार, परोठा और साग के साथ सब्जियों की सुबह साग। ये आ गया जी साग और परोठा, अब हम खाने लगे हैं। अगर किसी दोस्त ने खाना तो आके खा सकते हैं। रात को भी धुंध हो चुकी है जी, आप दिन भर रात धुंध ही रहती है, थोड़ी देर सूरज निकलता है और बाद में धुंध शुरू हो जाती है। अब ये देखें जी कितनी ज़्यादा धुंध है। ये देखें भाई अच्छा जनवरी आया है, इसमें तो सूरज निकल ही नहीं रहा, धुंध ही धुंध रहती है जी। और हम आपको दिखा रहे हैं बाहर का माहौल।
करते हैं गाइस, आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ आज के ब्लॉग खत्म करते हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।